नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है आज के ताजा तरीन खबरों का। इंडोनेशिया से पाम ऑयल के आयात पर भारत में आज से बैन होगा लागू, जिसके चलते कई कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकते हैं महंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय दौरे पर आसाम जाएंगे, जहां वह डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ केस में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से आज होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने किया है तलब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बनवासा और टनकपुरा का दौरा करेंगे, जहां बनवासा से रोड शो के बाद टनकपुर के गांधी मैदान में रोड शो करेंगे। बिहार शिक्षा विभाग के सचिव अंश गवाह आज एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय आ रहे हैं, जहां वह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर सरकार की योजनाओं का जायजा लेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की रद्द की गई परीक्षाएं आज होगी, नकल के कारण परीक्षा को पिछले दिनों रद्द किया गया था। दिल्ली में गर्मी से तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, मौसम विभाग ने आज लू के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। धनबाद के कई इलाके में आज नहीं मिलेगा पानी, साथ ही इस पूरे साल झेलनी होगी समस्या, क्योंकि सड़क निर्माण की वजह से सड़क के किनारे पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है, इसकी वजह से जलापूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। पंजाब के फिरोजपुर में आज रोजगार कैंप लगाया जाएगा, जिसमें अनेक कंपनियों के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इस्पात औद्योगिक संघ आज से जिंदल प्लांट के मुख्य गेट के सामने आर्थिक नाकेबंदी करेगा। औद्योगिक संघ ने विद्युत आपूर्ति को लेकर जिंदल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के दूसरे चरण का मूल्यांकन कार्य आज से होगा, जहां 2 करोड़ से अधिक कॉपियों की होगी चेकिंग। पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई 2000 से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई के लिए स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दिल्ली में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कार्रवाई से पहले दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर और कमिश्नर ने जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खातर क्षेत्रों में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का निरीक्षण किया, जिसके बाद कार्रवाई की तारीख तय की जाएगी। पंजाब में बिजली संकट एक बार फिर गहरा गया है, जहां रोपड़ थर्मल प्लांट के 2 यूनिट बंद होने के कारण यह संभावना बन रही है। उदयभान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई, इसके साथ ही पूर्व मंत्री किरण चौधरी की बेटी, पूर्व सांसद रितु चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद ने राजेश्वरी कॉलोनी में स्वयं व जन सहयोग से बनाया गया गौतम बुद्ध पार्क की NOC निरस्त करने का कड़ा विरोध किया, इसको लेकर नगर निगम में जबरदस्त हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वादा खिलाफी पर रेरा ने की सख्ती, कहा बिल्डरों ने 2 माह में ना दी सुविधाएं तो प्रोजेक्ट पर लगेगी रोक। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में OBC आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए कुछ मामले में OBC को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णयों पर मुहर लगी, जिसमें राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रेच्युटी लीव एनकेशमेंट सहित 110 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने पर भी सरकार की मुहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ उपराज्यपाल कहते हैं कि यहां बीते 2-3 साल में कई नई परियोजना शुरू की गई है, लोगों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, फिर भी यहां के लोगों को बिजली कटौती की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी के बीच कोलकाता रेलवे की ओर से अभिनव पहल की गई है, जहां मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए ग्लूकोज का पानी प्रदान किया जा रहा है। मानसून से पहले BMC ने चेताया, मुंबई के 337 आवासीय भवनों को बताया खतरनाक। गुजरात के सूरत में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सूरत रेलवे स्टेशन से 5 लाख रुपए का 16 टन सामान कवारी में बेच दिया गया। इस मामले में भंगार बेचने वाले रेलवे कॉन्ट्रैक्टर और रिसीवर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू संगठनों की रैली के बाद हुए मामले के मुख्य आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस ने अब तक इन आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस मामले में पुलिस ने जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संपत्ति जब्त करने की अनुमति मांगी है। रंजीत जिंगर की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ जिला सिरोही ने टैक्सी यूनियन पिनवारा के श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनाने के लिए कैंप की स्थापना की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के मीडिया प्रभारी गोपाल सिंह राव ने इसे एक अच्छी पहल बताया। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के जिलाधिकारी रविश गुप्ता व पुलिस उप महानिरीक्षक
डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय सुल्तानपुर में मंगलवार को आगामी त्योहार के दृष्टिगत शांति कानून व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए धर्मगुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों और धार्मिक प्रमुख लोगों के साथ बैठक की गई। रोज सुबह तुलसी के 2-3 पत्ते खाने से स्मोकिंग के दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं और इसकी लत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। यूपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से 28 अप्रैल शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पारी के आखिरी ओवर में 18 रन खाने के बाद हर्षल झुझलाए नजर आए, जहां रियान और उनके बीच ओवर के बाद बहस भी होती दिखी। साउथ के सुपरस्टार आदिवी सेस अपनी फिल्म मेजर को लेकर काफी चर्चा में है। ये फिल्म 26/11 हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है, जो 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहे मोबाइल न्यूज 24 को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।